नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदेगी बिहार पुलिस। नए सच में महिला कॉलेजों में मिलेगी नई सुविधा। कांवड़िया पथ पर बिछेगी गंगा की सफेद बालू। फसलों की हो रही नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। देश में कोरोना के मामले फिलहाल कंट्रोल में। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदेगी बिहार पुलिस। पुलिस मुख्यालय में प्रोविजनिंग और आधुनिकीकरण प्रभार की समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी एस के सिंघल ने कई ऐसे सुझाव दिए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अब अपनी जरूरतों का सामान भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदेगी, साथ ही वैसी फर्म से भी खरीद होगी जिनकी सहायक कंपनियां भारत में मौजूद हो। ऐसा इसलिए करने को कहा गया है ताकि पुलिस को अपने साजो सामान की मरम्मत या रख रखाव में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही डीजीपी ने प्रोविजनिंग प्रभार के कामकाज की समीक्षा के दौरान कहा कि पुलिस के लिए खरीदारी की प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाए। नहीं है बारिश के आसार, फसलों को हो रहा नुकसान। बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून अभी निष्क्रिय है। 1 से 9 जुलाई तक प्रदेश में केवल 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से खरीफ की फसल विशेषकर धान की खेती के लिए कठिन परिस्थितियां बन गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 7 दिन बिहार में बारिश के आसार बिल्कुल नहीं है। स्थानीय मौसमी वजहों से अपवाद स्वरूप केवल तराई क्षेत्र में आंशिक रूप से बारिश का अनुमान है। पूरे बिहार में शुक्रवार को कहीं 1 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हुई है। फिलहाल बिहार में खेती बाड़ी के लिए संकट खड़ा हो गया है। वहीं आज भी सूरज की तपिश ने लोगों को खूब परेशान किया। मॉनसून की तमाम परिस्थितियां बिहार में अभी अनुकूल नहीं है। अभी मॉनसून मध्य भारत में है, ट्रफ लाइन भी वहीं है। बिहार में मॉनसून की सक्रियता को लेकर अभी कोई अनुमान नहीं किया जा सकता है। नए सत्र में महिला कॉलेजों में मिलेगी नई सुविधा। नए सत्र में बिहार की महिला कॉलेजों में नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। खासकर राजधानी पटना में स्थित कॉलेज में दूर दराज से प्रतिवर्ष लड़कियां पढ़ने आती हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी कुछ महिला कॉलेजों में छात्राओं को नए कोर्स, हॉस्टल, हॉल और कैंटीन की सुविधा मिलने वाली है। जैसे श्री अरविंद महिला कॉलेज में छात्राओं के लिए पीयर टीचिंग सेल बनाया गया है। साथ ही प्लेसमेंट को लेकर जॉब फेयर का भी आयोजन होने वाला है। इसके साथ ही गंगा देवी महिला कॉलेज में अब यूनिवर्सिटी से मिले आदेश के बाद यहां छात्राएं बीकॉम और पीजी में 5 कोर्स कर सकेंगी। वहीं मगध महिला कॉलेज में बने महिमा छात्रावास का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। नामांकन के साथ ही छात्राओं को हॉस्टल के रूम का भी अलॉटमेंट होगा। इसके साथ ही पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं को इस साल ऑडिटोरियम और कैंटीन का तोहफा मिलने वाला है। भीषण गर्मी में हो रही है बिजली की भारी किल्लत। एनटीपीसी जैसा बड़ा बिजली स्रोत होने के बाद भी बिहार में बिजली की किल्लत हो रही है। इसकी वजह है एनटीपीसी की 6 यूनिट का बंद होना। एनटीपीसी की 6 यूनिट बंद होने से बिहार में बिजली की भारी किल्लत हो गई है। बीते दिन राज्य को जरूरत से 1500 मेगावाट कम बिजली मिली। वहीं नवीनगर की 1 यूनिट बंद होने से 525 मेगावाट बिजली कम मिली। बड़ौनी की 3 यूनिट बंद रही। इस कारण दर्जनों ग्रिड लोडर शेडिंग में रखना पड़ा। शहर से लेकर गांव तक घंटों बिजली गुल रही। शहरों में 4 से 5 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे तक कटौती हो रही है। इधर बारिश नहीं होने की वजह से भीषण गर्मी भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। वहीं इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती होने से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। उत्तर बिहार के 80 से अधिक श्रद्धालु फंसे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के बेतिया, मोतिहारी सहित उत्तर बिहार के 80 से अधिक श्रद्धालु बालटाल स्थित बेस कैंप पहलगाम से लेकर डोमेल रेलवे पटरी के बीच फंसे हुए हैं। इससे आगे की यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है। इसमें मुजफ्फरपुर कोषागार के 3 पदाधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि वे सभी सुरक्षित हैं, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठंड अधिक होने से थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। कांवड़िया पथ पर बिछेगी गंगा की सफेद बालू। इसी महीने के 14 तारीख से श्रावणी मेला का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार भी कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधा मुहैया करवा रही है, ताकि उन्हें किसी भी परिस्थिति में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस बीच रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। पर्यटन विभाग ने टेंट लगाने की मुहिम छेड़ी, जिसमें कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस बीच एक और अच्छी खबर कांवड़ियों के लिए आ रही है कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कांवड़िया पथ पर जाकर जायजा लिया और कांवड़िया पथ पर गंगा की सफेद बालू बिछाई जाएगी। हालांकि सूरज की तपिश से बालू गर्म होने के बाद परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा वाटर कैनन लगाया जाएगा, ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो। 30 जून को किए गए सीओ सहित कई अफसरों का ट्रांसफर किया गया रद्द।
हाल ही में 30 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सीईओ सहित कई अफसरों का ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी तबादले रद्द कर दिए गए हैं। जिन अधिकारियों का तबादला रद्द किया गया है उनमें अंचलाधिकारी से लेकर राजस्व अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और चकबंदी पदाधिकारी शामिल हैं। दरअसल इन तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अनियमितता की शिकायतें पहुंची थी। मुख्यमंत्री द्वारा शिकायतों की समीक्षा के बाद बीते दिन 30 जून वाले पूरे तबादले को रद्द कर दिया गया है। खबरों की माने तो समीक्षा के आधार पर जल्दी ही तबादलों की नई सूची जारी की जाएगी। अवैध बालू खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई। बिहार में अवैध बालू खनन एक बड़ी समस्या है, हालांकि प्रशासन इस पर शिकंजा कसने की खूब कोशिश कर रही है। इस बीच बालू खनन के अवैध धंधे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बार भोजपुर के सुरौंधा से बिहटा इलाके तक छापेमारी की गई। पटना पुलिस और एसटीएफ की मदद से भोजपुर पुलिस टीम की ओर से 87 पोकलेन मशीन जब्त कर ली गई है। सभी पोकलेन मशीन पटना इलाके में पकड़ी गई। इस कार्रवाई से बालू माफिया हड़कंप मच गया है। वहीं बिहटा से 8 ट्रैक्टर, 3 लोडर और दानापुर में 11 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में काफी हड़कंप मचा है। फसलों की हो रही नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 8 से 9 दिनों में 19 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बीते दिन समीक्षा बैठक की। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कम बारिश से उत्पन्न संभावित स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश के कारण संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच वैकल्पिक फसल के लिए प्रचार प्रसार करें, वैकल्पिक फसल के लिए बीज की पर्याप्त उपलब्धता रखें। अगर उठाना है पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ तो करना होगा ये काम। रोजगार के लिए अपने गांव घर से दूर रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इन लोगों को योजना का लाभ लेना है तो फिर इन्हें गांव में रहकर खेती करनी होगी। आपको बता दें कि ऐसे मामले में जो लोग खेती नहीं भी कर रहे हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में इसको देखते हुए सरकार ने ये जरूरी कदम उठाया है। ऐसे में फर्जी किसानों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। विभाग की माने तो अब एक परिवार में एक ही व्यक्ति इस योजना के लाभुक हो सकेंगे। भौतिक सत्यापन में परिवार के पति पत्नी का आधार कार्ड जांच होगा। जांच के दौरान अगर दोनों लोग इस योजना के लाभ लेते पाए जाएंगे तो एक व्यक्ति को योजना की पूरी राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी। लालू यादव को लेकर भावुक हुए तेज प्रताप, कहा आपके लिए सब छोड़ देंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। इन सभी के बीच में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ पापा चाहिए। तेज प्रताप ने भगवान कृष्ण की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि पिताजी आप जल्द स्वस्थ होकर घर आ जाइए, आप हैं तो सब है। प्रभु मैं आपके शरण में तब तक रहूंगा जब तक पापा घर नहीं आ जाते। मुझे बस पापा चाहिए और कुछ भी नहीं, ना राजनीति और ना ही कुछ और, बस मेरे लिए पापा और सिर्फ पापा। 31 जुलाई को होगी बीजेपी की बैठक। इसी महीने के 31 जुलाई को बिहार में भाजपा की बैठक होगी। इससे पहले 14 से 16 जुलाई तक पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गया शहर में लगेगा। इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों में भाजपा के 7 मोर्चा कार्यरत हैं। इनमें किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा शामिल है। हर राज्य से सभी मोर्चा के अध्यक्ष और महासचिव सहित कुछ प्रमुख पदधारक पटना में होने वाले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना को देखते हुए प्रदेश कमेटी के स्तर पर इसके लिए अलग से तैयारी भी की जाएगी। स्मृति ईरानी का बिहार दौरा हुआ रद्द। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज यानी शनिवार को बिहार दौरे पर आने वाली थी। हालांकि जापान के प्रधानमंत्री के निधन के बाद आज देश भर में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का बिहार दौरा आज के लिए रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज उनका एक दिवसीय बिहार दौरा था, जिसमें वो पटना पहुंचकर ज्ञान भवन में समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार की ओर से आयोजित जोनल मीट कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली थी। बिहार भाजपा उनके स्वागत की तैयारियों में लगातार जुटी हुई थी, लेकिन अब स्मृति ईरानी का पटना दौरा रद्द हो गया है। फिलहाल कोरोना के मामले कंट्रोल में। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से काफी कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन नए मामलों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से भारत में कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। आज यानी शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई
ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 18,840 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 16,104 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं इस संक्रमण से 43 लोगों की जान भी चली गई है। सक्रिय मामले 1,25,028 है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 4.14% है। वहीं रिकवर होने की रेट 98.51 है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 198.65 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। मौसम बिगाड़ सकता है खेल। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया इस वक्त 3 मैचों की T20I सीरीज खेल रही है। पहले T20I में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने इंग्लैंड को 50 रनों से हरा दिया था। इसके साथ ही भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आज भारत के समयानुसार मैच रात 10 बजे से शुरू होना है। ऐसे में भारतीय टीम जहां ये मैच जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से उतरने वाली है, लेकिन बर्मिंघम का मौसम खेल खराब कर सकता है। हालांकि मौसम साफ होने के तो अनुमान है, लेकिन इंग्लैंड मौसम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहां मैच के दौरान तापमान 11 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर पर आवर रहने की उम्मीद है। इंग्लैंड में और खासकर बर्मिंघम में बारिश कभी भी हो जाती है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनीलाल सिंह, अमोद कुमार, मुन्ना अली, सतीश कुमार, सलेश कुमार, रंजीत मिश्रा, सोनू कुमार, सिद्धार्थ कुमार, मंटू सिंह और कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके क्षेत्र में भी बिजली की किल्लत हो रही है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।